स्कुलिनिटीज़ जो है उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है आई कान गिव यू वन डेफिनेशन देर आर फ्यू ली जा सकती हैं रेवन कॉनल की एक डेफिनेशन है वो ली जा सकती है माइकल रे, फ्लड uh, ने कुछ नहीं हुई है क्योंकि कोई एक तरीका है ही नहीं मर्द या लड़के होने का इट वेरीज इट वेरीज बिटवीन रेस बिटवीन रिलीजन्स बिटवीन कास्ट एथनेसिटी किनशिप पैटर्नस जोग्राफिकल लोकेशंस इट वेरीज इन टर्म्स ऑफ सेक्चुअल ओरिएशन हम एक एक्डेमिक इंस्टीट्यूशन में हैं इस वजह से हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन कॉन्टेक्सट को भी समझें एकडीमिया के प्रस्पेक्टिव में सेक्चुअल ओरिएशन लाइफ साइकिल बहुत से आप लोगों को जानते होंगे जो जब साठ सत्तर साल के होते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा पालते हैं मेल होते हैं वो दादे होते हैं या नाने होते हैं दादाजी नाना जी बच्चों को बड़ा अच्छा पालते हैं मगर जब वो फादर्स होते हैं दे डोंट इवन गो क्लोजर टू देर चाइल्ड इमोशनली इतने दूर होते हैं वो सो लाइफ साइकिल में कहा आप अपने पोतों पोतियों के साथ या नवासों के साथ करीब हैं और कहां आप दूर हैं सो लाइफ साइकिल में भी चेंज है परसेप्शन भी चेंज हो रही हैं ओवर द टाइम मसलन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो म्यूज़िक का इंस्टीट्यूशन uh, है इसने ख़ास तरह के इमेजेस इमेजेस बिल्ड किए ड्यूरिंग द एरा ऑफ सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ एटीज़ नाइनटीज़ ग्लोबल अगर आप बात करें आ, आ, जो पॉप म्यूज़िक आया तो आर्ट की ख़ास तर्ज थी उसमें और बहुत से यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको फॉलो किया गया आमतौर पे वो आम मर्द की कैटेगरी में नहीं आते थे तो प्रसप्शन चेंज हो रही हैं हमारे यहाँ जो चेंजेस शुरू हुए वो सिक्सटीज सेवेंटीज़ नहीं एटीज के बाद और नाइन्टीज़ में शुरू हुए लंबे बाल भी आ गए मर्दों में जो कि बड़ा रेयर देखने को मिलता था अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज प्योरली एन एकेडमिक डिस्कशन आई एम नॉट सेंग वट इज रॉन्ग वट इज राइट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे के जी इस कॉन्सेप्ट के पीछे एंड देन यू हैव योर ओन एनालिटिकल कैपैसिटी टू एनालाइज इन डिफरेंट वेज बट देर इज नो वन वे ऑफ बींग अन मर्द फिजिकल अगर आप पेरेंट्स में देखेंगे तो लोगों की दाढ़ी भी होती है लोगों की मूँछ भी होती है मेरे जैसे भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस वैल्यू को कितना अडाप्ट किया हुआ है उस वैल्यू की बेस रिलीजन भी हो सकती है एथनीसिटी भी हो सकती है कल्चर भी हो सकता है बलोच मर्द को अगर आप देखेंगे या आप सिंधी मर्द को देखेंगे तो वो एक आपकी इमेज आपके जहन में आ जाएगी इसी तरह अगर आप मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम को देखेंगे तो उसमें एक आपकी एक इमेज आ जाएगी एनी anyway, वे मेस्कुलरिटीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये पावर स्ट्रक्चर को भी रिफ्लेक्ट करती हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी सर्टन काइंड ऑफ मेस्कुलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है और सर्टन काइंड ऑफ मैस्कुलिटीज को रिजेक्ट किया जाता है कुछ मैस्कुलिटीज की ऐसी किस्में हैं जो कि डोमिनेंट होती हैं उनको हम कहते हैं हेजोमोनिक फॉर्म ऑफ मैस्कटीज ये है कॉन्सेप्ट आप लिखना चाहें लिख लें हेजोमोनिक फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिटीज अच्छा अब हम कहते हैं कि जी पावर स्ट्रक्चर में मैस्कुलिनिटी कहाँ है सो so, कौन से ऐसे पावर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको मैस्कुलिनिटी देखने को मिलेगी या मेल पावर ओवर देखने को मिलेगी या वो वैल्यूज देखने को मिलेंगी जो ज्यादातर मर्दों के साथ एसोसिएट की जाती है कोई इंस्टीट्यूशन का नाम पाकिस्तान से ओके okay, वो तो कल्चर है गन रखना जरूरी नहीं वो चलाते भी हूँ मगर गन एक कल्चर है गुड द हम एक कल्चरल इंस, उसकी बात करें मैं की बात कर रहा हूँ इधारों की लेट से आर्मी, आर्मी, आर्मी है ओके और पुलिस है और ये वो, है। है, और है। पोस्ट है। ये वो इदारे हैं अच्छा स्पोर्ट्स के इदारे देखें फुटबॉल क्रिकेट पायलट्स हैं अच्छा हैविंग सेट दैट इन इदारों की जरूरत है कि ये मेस्कुलन स्ट्रक्चर रखें बिकॉज ये खास आइडियोलॉजी के तहत बनाए गए हैं होता ये है कि जब खातन भी उसमें आती हैं तो उनको कैसे बिहेव करना है जैसे उस इंस्टीट्यूशन में बिहेव करना है सो तौर पर देखा ये गया है अगेन रिसर्च इज रिक्वाड ऑन दिस एलिमेंट एज वेल आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम वुमेन पुलिस स्टेशन ट मोर वायलेंस इज सीन इन द वुमेन पुलिस स्टेशन देन मेन्स पुलिस स्टेशन दैट्सो इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टडी थी कुछ चार थानों में पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन में तो खुतन के बारे में यह ख्याल था कि वह कम तशद करती होंगी मगर पता ये चला क्योंकि उनका अप्रूवल नहीं है उस सिस्टम में आई कैन गिव यू आर रियल स्टोरी जो मेरी आंखों देखी है एक पुलिस स्टेशन था उसकी कोई एस एच ओ होती थी आजकल एस पी हैं नाम मैं फिर नहीं लूंगा uh, हम लोग उस वक्त पुलिस ट्रेनिंग पे बहुत काम करते थे सो so, वो तीन चार लोग ऐसे पकड़े हुए थे जिन पे अभी केस नहीं हुआ था वो कोई कार लिफ्टर थे अभी उनके ऊपर एफ दर्ज नहीं हुई थी इनफॉर्मल अभी uh, कार्रवाई चल रही थी हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा चलता है केस पता नहीं कब दर्ज होता है पर लोग पहले भी पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके पास अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द लॉस विद इन फोर्टी एट आवर्स आई है दे हैव टू बी प्रोड्यूस टू द कोर्ट ऑफ लॉ सो उससे बचने के लिए आमतौर पर उनको इनफॉर्मल कस्टडी में रखा जाता है तो वो लोग इन फॉर्मल कस्टडी में थे तो इन खातून एस एच ओ ने अपने ए एस पी से या उस वक़्त जो एस डी पी ओ थे उनसे पूछा कि जी ये कौन लोग हैं तो उन्होंने कहा इसीलिए हम खातन को ना पुलिस में नहीं लेके आते आपको इतना नहीं समझ ये कौन लोग हैं सो दैट्स हाउ डिवीजन इज एक लाहौर में हम गए एक पुलिस स्टेशन में तो वहां हमने खातून से पूछा आप तो श करती हैं, कहती है नहीं मैं तो नहीं मारती मगर मैं मारने के लिए ना अपने मेल पुलिस ऑफिसर्स को बुलाती हूँ अंदर और वो रात को उनकी सही चित्रोल करते हैं ना इमेजिन अ मेल पुलिस ऑफिसर हिटिंग अ फीमेल फीमेल पुलिस यू नो इन कस्टडी सो अगर वो ये नहीं करेंगे तो पुलिस का इंस्टीट्यूशन जो कि जिस तरह आज सेटअप है वो उनको अलाउ नहीं करेगा सिस्टम में चलने के लिए दे हैव टू डू इट दे हैव टू प्रूव दे दैट दे आर टू रिटेन इन दैट सिस्टम अदरवाइज उनको उठा के बाहर फेंक देंगे मगर आप इंटरेस्टिंग देखें कि स्कूल्स में बहुत ज्यादा फीमेल टीचर्स हैं वहाँ पे इंटायरली डिफरेंट इन्वायरमेंट है वायलेंस वहाँ पे भी है मगर वहाँ पे कुछ और तरह की वैल्यूज हैं सो आपके जो सिस्टम्स इंस्टीट्यूशन हैं वो भी आपके सोशलाइजेशन के सेटअप में ही डिवेलप होते हैं आर्मी पुलिस स्कूल्स गैंग्स कॉरपोरेशंस बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आपको पता है दुनिया की सौ बड़ी पाँच बड़ी कॉरपोरेशंस में कितनी वुमेन बॉसेस हैं जो हेड लेटेस्ट रिसर्च पिछ, पिछले साल आई है फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव और उनकी हाइट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वो है नो वन इज लेस देन फाइव एट आप में से आधी से ज्यादा खात गई और मर्द की हाइट पे नो वन इज लेस सिक्स टू में से बहुत से भी गए सो द वे द कल्चर इज अप, द वे द इमेज इज अप, उसको जो बेचा जाता है दैट्स ऑल्सो वेरी मच रिफ्लेक्ट इन दीज स्ट्रक्चर्स, एंड वेन वी लुक एट द होल नोशन पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो दैट्स द वे द कॉरपोरेशन इज लुकिंग एट देयर सुपर बॉस कि उसकी ये इमेज होनी चाहिए यंग बॉयज स्पेसिफिकली आर फेसिंग अ लॉड ऑफ प्रेशर फ्रॉम अडल्ट एंड पी टू पी एस स्ट्रॉग एंड टफ एंड डिफरेंट फ्राम सो कॉल्ड वीकलिंग्स ऑफ फेमिन बॉय बच्चे आगे कहते हैं जी मैंने सीसी नहीं बनना बच्चे आगे कहते हैं कि जी मुझे मैं कैसे हैंडल करूं कई दफा उनको नहीं समझ आ रही होती और मां बाप उस पर कोशिश भी करते हैं मगर गुड न्यूज ये है कि ये ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस पर बात भी होती है देर इज अ फुल फ्लैज एफर्ट टू एड्रेस दीज इशूज कलेक्टिव मैस्कलिटी की हमने बात कर ली उसकी मैंने हल्की सी यहाँ एकस्प, दी है हरारी uh, की अगर हम देखें तो uh, बुनियादी वजह अगर हम देखें कि इसकी जो कंप्लेक्सिटी है इसकी क्या है वो वो ये है कि देर इज नो वन हेजमोनस पैटर्न कोई एक पैटर्न है नहीं मैस्कुलिनिटी का इसके पैटर्न्स बार 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 चेंज होते हैं और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि uh, अगर आपने रियल सेंस पे इश्यूज़ ऑफ़ मैस्कनिटी पे काम करना है तो आपको लाइफ साइकल अप्रोच लेनी पड़ेगी एटीट्यूडनल चेंज पे काम करना पड़ेगा आपको एक बहुत केयरफुल एनालिसिस करना होगा एक किसी एक एक्स सोसाइटी में कि वहाँ की बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं उनमें कौन सी इनक्वालिटीज़ हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं एज अ सोसाइटी एज अ होल नेशनल लेवल पर और उनमें फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च ट्रेनिंग कैपेसिटी स्कूल करिकुलम इंस्टीट्यूशंस वो जो मैंने पाँच चार वो जो आपको दिए थे उससे काम करना पड़ेगा लेजिसेशन ये हमें करना पड़ेगा इसके ऊपर दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड एंड देन वी कैन गो इनटू अ लिटिल बिट मोर डायलॉग के जहाँ पे हम डिफरेंस ला सकते हैं वो ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक्त में क्या डिफरेंस लाया जा सकता है उस वक्त में ये है कि माओ की और बच्चों की मौत को रोकना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बाप को ये स्पेस मुहैया करना कि वो बच्चों के साथ रह सके तो एक चीज होती है जिसको पेटर्निटी लीव कहते हैं पचास साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कुछ मुल्कों में अब बाप के लिए एक महीने की पेटर्निटी लीव है तो वहाँ पर रिसर्च हो रही है वो क्या करते हैं जब बच्चा इस दुनिया में आता वो एक महीने की छुट्टी लेके या दोस्तों के साथ चले जाते हैं शहर पर या वो कहीं और कंसल्टेंसी कर लेते हैं मजीद पैसे कमाने के लिए प्रेशर है एक खास तरह का so वो उसको रियल सेंस में बीवी और बच्चे के साथ इस्तेमाल नहीं होता मगर पेटर्निटी लीव इज समथिंग जो कि लेजिसलेटिव एनवायरमेंट में जरूरत है इंगेजमेंट ऑफ मैन इन प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्रेगनेंसी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आधी से ज्यादा जाने बच जाएंगी अगर हमारी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि वो मर्दों से भी बात कर सकें हमारी खातिन जो हैं वो बहुत ट्रेंड है नो डाउट अबाउट इट बट एट द सेम टाइम एक्सपोजर जो है ऑफ़ मेडिकल या आउटसाइड का वो मर्दों के पास है तो किसी जगह से ये डायलॉग होना चाहिए हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है वी आर नॉट सेइंग कि जी हम इसको ओपन कर दें एक एक कुछ सिस्टम ऐसा हम अपने कल्चर को देखते हुए डेवलप करें जिससे शायद एमएमआर और आईएमआर नीचे आ जाएगा शायद और भी रीजंस हैं चुके और डेफिनेटली हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा इशू नहीं है रिसर्चेज जो बता रहे हैं मगर फीमेल फिटोसाइड जो है इस वक्त चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा इशू है चाइल्डहुड में ये है कि जी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में बाप का बहुत किरदार है हमारे यहाँ से कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाप बिल्कुल मिसिंग है छः छः साल के लिए वो दुबई गए हुए हैं सो हमें देखना है कि हम ऐसी सोसाइटीज़ में या ऐसे इलाकों में कैसे वो प्रमोट करें फादरिंग फादरहुड वेरी इंपॉर्टेंट इन एलिमेंट्स क्या हैं उसके कैसे काम करने की ज़रूरत है क्या कैसे प्रमोट करने की जरूरत है uh, कॉर्पोरल पनिशमेंट एट द स्कूल्स आई थिंक दैट्स अ मेजर इशू बच्चों को जब आप मारेंगे और आप ये सिखाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सवाल को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो वो बड़े होकर यही करेंगे पिछले पंद्रह से बीस सालों में चाइल्ड राइट्स की मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा शोर किया इस पर कि चिल्ड्रन की डिवेलपमेंट के लिए कार्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जिसपे एक तरह से लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और स्कूल में जो कंप्लाइंस है वो भी बेहतर हुई है हैविंग सेट दैट एटीट्यूड नहीं बदले मैंने जो शुरू में बात की थी कि आप ये नहीं हो सकता कि आप बाहर लोगों से ये कहते हो कॉन्फ्लिक्ट हो तो आए हम मिल के बात बैठ करते हैं बात करते हैं और घर में जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो थप्पड़ मार दें यू कैरी एन एटीट्यूड जहाँ पे आप फिर सोशल वैल्यू देखते हैं कॉस्ट देखते हैं जैसे मैं आपको इस बात पे एक एग्जाम्पल दूंगा आपकी आपके हमसाए के साथ लड़ाई हो गई आप भी वहीं रहते हैं हम साया भी वहीं रहता है आप दोनों घर ओन करते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके और मेरे अगर मेरी और आपकी लड़ाई होती है तो मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू सेटल डाउन क्योंकि हमने यहीं रहना है बैक ऑफ माई माइंड यही होगा कि यार ये मेरे हमसाए ही हैं यहीं रहना है किसी तरह से इसको सेटल करूं मगर क्या आपने दो लोगों को सड़क पे लड़ते देखे जो गाड़ी के एक दूसरे को हॉन्ग कर रहे हो निकलते हैं मारते हैं सोशल कॉस्ट ही नहीं है अगर मुझे दो थप्पड़ पड़ भी गए तो मैं यूं करके यूं करूंगा उठूंगा घर चला जाऊंगा किसने देखा क्या कॉस्ट है जबकि अगर मुझे मेरे हमसाई से दो थप्पड़ पड़ गए गली में तो पूरी जिंदगी के लिए यह मेरे लिए वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है सो देर इज अ सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व यू आर राइट इन कि अब स्कूल की मैनेजमेंट जो है इन सर्टन सेक्शन आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इशू बट ओनली कंप्लायस ऑर्डर इज नॉट इनफ चेंज कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बहुत क्लियर कोर्सेज हैं आपके यहां स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है जिसकी जरूरत है अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे विद इन फाइव टू टेन ईयर्स ये चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कुछ स्कूल ने बहुत अच्छा शुरू किया है उन्होंने साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं काउंसलिंग के लिए सो दैट इज द फ्यूचर फ्यूचर इज वर्चर साइंग बट वी आर नॉट देअर इन सम केसेज वो सेटल्ड अंदाज में किसी और तरह से वो एंगर निकल रहा है इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में आप भी पढ़ेंगे वुमेन साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ी तो हम इसे कहते हैं पैसिफिक्रेसिव बिहेवियर सो यू शो इट फ्रॉम सम हाउ टू द चाइल्ड दैट यू आर नॉट अप्रूविंग हिज और हर क्वेश्चन इन सम केसेज यू स्लैप इन सम केसेज यू डू समिंग एल्स इन सम केसेज पीपल टॉक अबाउट दैट चाइल्ड एंड इट रीचेज टू दैट पर्सन सो दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट वी नीड दोज काइंड ऑफ स्कूल्स डेफिनेटली और हमें ऐसे स्कूल नहीं चाहिए जैसे आपके यहाँ जिसमें मेरा बच्चा था मेरा जो बच्चे जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर कॉर्कोलर पनिशमेंट नहीं है और वहाँ पे टीचर्स को कोई चार पाँच दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है हाउ टू एड्रेस दट क्योंकि गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज है गुस्सा कोई एबनॉर्मल कितने लोग कहते हैं गुस्सा एबनॉर्मल है एबनॉर्मल है कितने लोग कहते हैं भूख एबनॉर्मल है भूख लगना एंगर इज अ वेरी नॉर्मल फीलिंग जैसे भूख की फीलिंग है वो खादे बहुत ज्यादा ने जब तुम उन्होंने सामने रख दो हो हाँ मगर ये कि एंगर की एक्सप्रेशन जो है वो कैसे उसको अब नॉर्मल या नॉर्मल बनाती है एगर आना तो बहुत नॉर्मल है वो तो आपकी फीलिंग है वो हो सकती है कि वो चीज़ आप अच्छी ना लगे बट बच्चों पर भी आ सकता है हाउ यू प्लेस इट एंड हाउ यू डिस प्लेस इट तो बच्चे भी सीखते हैं बट थैंक यू फॉर द पॉइंट आई एग्री विद यू दैट देर इज अ लार्जर एफर्ट नाउ इन द लास्ट फिफ्टीन ईयर और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं पे पे पनिशमेंट पाबंदी है इट्स क्राइम एज में ये है कि बच्चों पे लड़कों पे प्रेशर कम किया जाए पढ़ाई का कमाने का 24-25 साल का लड़का हो जाता है मास्टर्स करके आता है अभी तक नौकरी नहीं लगा उन्हें ऐसा विह करना है करिए नो दैट्स नॉट पॉसिबल आई मीन लेट दम लिव इन अ अटन वे जहाँ पे वो इन को प्रमोट किए बगैर जिंदगी गुजार सके प्रेशर्स कम करने हैं मेल स्टीरियोटाइप्स के बर्डनस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसा ही होना है भाई नौकरी इतने की होनी है शादी ऐसे होनी है दुलाह बनना है तो घोड़े पर ही बैठना है आई डोंट नो वट दैट मीन आई आई मीन आई कॉन्ट आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दैट गाड़ी इसी तरह की चाहिए यू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ मैरिज जो कि सिंपली मैंने कुछ शादियां देखी हैं जो सिंपली मस्जिद में बैठ के हो सकती हैं एंड यू सेव ऑल दैट मनी एंड यू स्पेंड इट ऑन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी दो दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आई डोंट डिसअप्रूव बट इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड दस माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके घर में हर चीज है मगर दुल्हन आ रही है तो आपको वो सब चीज़ें लेके ही आनी है भाई मेरे घर में सोफा है मगर सोफा चाहिए नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी अब नाक इज मोर इंपॉर्टेंट सो जो स्टीरियो टाइप्स हैं ये एडलिसेंट एज में एच आई वी इज अनदर इशू विच इज़ वेरी साइलेंट अभी हम देख रहे हैं आई डोंट नो इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है पाकिस्तान जो अभी फिगर्स यू एन एड्स निकाल के लेके आ रहा है आर डेंजरस वी नीड टू बी केयरफुल लाइवलीहुड्स और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स की बात है एडल्टुड में ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव राइट्स जो ख़वान के हैं अभी जो उस पर बात मर्दों के रिप्रोडक्टिव राइट्स पर बात Uh, लड़कों और लड़कियों को जो हम डिफरेंटली अपब्रिंग करते हैं वो वैल्यू बेस्ड जरूर हों जेंडर बेस्ड वायलेंस को तो सेंक्शन नहीं होना चाहिए कुछ एक्शंस होने चाहिए इसको एड्रेस करने के बिकॉज दैट रियली इज़ की फैक्टर और अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सेक्चुअलिटी होगी और हमें लड़कियों में और इन्वेस्ट करना है दैट डजन मीन हमें लड़कों में इन्वेस्ट करना बंद कर देना है हमें लड़कों में थोड़ा डिफरेंटली इन्वेस्ट करना Old age में, of course, child care है ओल्ड एज में ऑफकोर्स चाइल्ड केयर है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैं दादा नाना की बात कर रहा था इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें रियल सेंस में इस पर काम करने की ज़रूरत है तो हमें फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन या इंडिविजुअल रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में काम करने की ज़रूरत है कि जो वीकली मैसेजेस होते हैं ना मस्जिदों से भी आते हैं टीवी से भी आते हैं कई जगहों से मैसेजेस आ रहे हैं वी नीड टू हैव एन ओपन डिबेट ऑन दीज इश्यूज़ इन द सोसाइटी डायलॉग की जरूरत है स्पेसिस वैसे श्रिंक्ड हैं मगर जब तक हम मर्दों को बिठा के डायलॉग नहीं करेंगे कि इससे उनको क्या नुकसान है आई थिंक एक स्टडी की बहुत जरूरत है कॉस्ट ऑफ हेजेमोनिक फॉर्म्स ऑफ मैस्कटीज फॉर मैन अभी तक नहीं इस पर कोई बहुत ज्यादा काम हुआ ताकि मर्दों को यह तो पता लगे कि वो क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं एक खास तरह से अपना बिहेवियर रखने की वजह से और बेनिफिट क्या है अगर ओवरऑल बेनिफिट नहीं है सोसाइटी को और कुछ खास इन्वेस्टर्स को और कुछ खास तबके को ही है तो दैट मीन्स दैट ऑर्डनरी मैन आर ऑल्सो नॉट इन्जॉइंग बट हैविंग सेट दैट पोजिशन जो है मैनहुड में जो मेस्कुलनिटी में एक आम गरीब सबसे गरीब मर्द को भी उसका फ़ायदा होगा मतलब क्योंकि अगर हम एक सोसाइटी देखेंगे ना एक फैमिली देखेंगे जिसमें औरतें और मर्द हैं और वो बहुत गरीब हैं वहाँ पे भी जो जेंडर डायमेंशन होगी वो गरीब मर्द भी पावरफुल होगा उस गरीब औरत से इन सम वेज मगर अगर वो औरत काम करती है कमाती है वो लेके आती है ये बैठा हुआ है जैसे किसी ने बात की तो शायद थोड़ा सा पावर स्ट्रक्चर चेंज हो मगर इनमें रहेगी प्रोएक्टिव होना है रिसर्च की ज़रूरत है अब यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड्स को क्लोज कर रहा हूँ सवाल लूँगा और फिर मैं आपको कुछ रिसोर्सेस से लिंक करूँगा आपके क्वेश्चन प्लीज एनी थिंग यू थिंक आई नीड टू रिपीट या कोई सवाल आपका हो अच्छा जी हरारे की यह है कि एक लेयर है ना एक है आपका जो मैसेज है वो एक ऊपर की लेयर से नीचे की तरफ आ रहा है पुलिस के सेंस में अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वो करना है जो कि आपको आईजी कह रहा है आईजी ने, ने वो करना है जो चीफ मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई है यह हेरिकी है मैस्कटी इस तरह होती है कि अगर आप एक कलेक्टिव मैस्कुलन इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं तो आपका अपना एटीट्यूड कहीं नीचे चला जाएगा वो शो ज़रूर होता है जैसे अभी मिस ने भी बात की कि स्कूल में बच्चों को नहीं मारते मगर बहुत सी औरतें जो घर पे बहुत वायलेंट होंगी वो किसी ना किसी तरह से वो दिखाती होंगी वो वायलेंस बहुत सी औरतें जो हैं वो अगर वो घर पे वायलेंट नहीं है तो वो उस हरारक में वो मैसेज ले रहे होते हैं तो मैस्कुलिनिटी में भी एक हरारिकी ज़रूर होती है आ, ये किया और हजमोनिक फॉर्म्स को हम कहते हैं कि जी आम तौर पर इसको मैं यूं कहा करता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है मर्दों से कि वो एक ख़ास तरह से बिहेव करेंगे नो no मैटर कि वो वैसे हैं या नहीं इसको मैं हेजोमोनी कहूँगा इसको मैं कहूँगा आपने एक बॉक्स बना दिया है कि एक आइडियल मर्द कैसा होगा उसका कद इतना होगा उसकी मूछें ऐसी होंगी उसकी पेरेंट्स ऐसी होगी उसके कंडक्ट ऐसा होगा इसको हम हैजोमोनिक कहेंगे तो एक आपने बॉक्स तैयार किया हुआ है और वो एक आपने पोजीशन भी कर दी है तो ये आपकी हजमोनी है उससे आप बाहर नहीं निकलने देंगे जो मर्द उससे बाहर निकलेगा उसको सोसाइटी रिजेक्ट करना शुरू कर देगी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेशन है कि जो मेल्स हैं वो अपनी बीवियों को या अपने बच्चों को बाय फोर्स काबू में रखेंगे वहाँ पे वो मेल जो कि फोर्स नहीं यूज करेंगे दे आर आउटसाइड ऑफ दैट हजमोनी और सोसाइटी रिजेक्ट करेगी उन्हें ये रन मुरीद हैं या ये सो so, ये आपकी हजुमानी और हरारिकी जो है वो आपकी लेयर्स हैं डिफरेंट लेयर्स हैं मर्दों के इंस्टीट्यूशंस में भी डिफरेंट लेयर होती हैं और मर्दों के रिलेशनशिप में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिव मैस्कुलिनिटी तो हरारिकी आमतौर पर कलेक्टिव मैस्कुलिनिटी में इंप्लाये करती है कलेक्टिव मैस्कुलिनिटी मसलन स्पोर्ट्स में भाई कैप्टन की बात सुननी है गुड मगर कई लोग वैसे ही लीडर होते हैं उनकी बात सुननी है मसलन गैंग्स में वहाँ पर हरारक बहुत काउंट करती है आपको ये नहीं पता कि आपने किस किस लिए 340 लोगों को कत्ल कर दिया और आप टारगेट के ला रहे कराची में बिकॉज यू फॉलो अ अपर्टिकुलर हैरिकी जो आजकल टी वी पर हम देख रहे हैं इट्स इट्स अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ हैजेमोनिक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैरारिकी एज वेल डोमिनेशन को आप कह सकते हैं हेजेमोनिक तो आप यूं समझ लेना कि आपने एक डोमिनेंट फॉर्म बना दी डोमिनेंस को कहें डोमिनेंस एंड हैरारिकी कहें और उसमें आपकी ना जो बॉक्स है वो सिमिलर है तमाम मर्दों के लिए किसी एक एक्स कॉन्टेक्स्ट ऑर्डर को नहीं है, के लिए नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं सोसाइटी सूरत में फॉलो करना लाजमी तो नहीं वो, जैसे वो लेकिन जैसे सर आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आप ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे नहीं वो तो वहां पर जो सूरतल बनी वो तो लाजमी हुआ पड़ा अगर नहीं, नहीं करते तो रुकेंगे अपने आप को वायलेंस करने से अगर पुलिस में जो गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ तो लाजमी है ठीक है इसके अलावा जैसे हम देख लें अगर सोसाइटी में देख लें या और जगहों पे जैसे अब आप, आप का रेफरेंस स्कूल्स में देख लें वहां पे भी करेंगे आप छोटा सा बच्चों का गैंग है ठीक है जी दो लड़कों की लड़ाई हो जाती है पूरे के पूरे लड़के पीछे आ जाते हैं उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता उस लड़ाई से वो आके लड़ते हैं बिकॉज इफ यू डोंट डू इट यू आर आउटसाइड ऑफ दैट फ्रेंडशिप मार्केट में भी देख लें मार्केट में भी यही होता है सो so, जी जो प्रेशर है ना आपका जॉइंट रहने का और उस रेकी में रहने का ये है मौजूद सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है गैर सरकारी इदारों में भी है और ये डिफरेंट और सिर्फ ये फिजिकल वायलेंस में नहीं दिखता और तरीके भी हैं मसलन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि मार्केट्स में ईदों शबरातों पे जाते हैं और उनका काम सिर्फ ईव टीजिंग करना होता है एंड फ्यू पीपल डोंट वांट दैट बट सिंस दे आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप दे हैव टू गो सो so, वहां पे भी उनको ऑर्डर्स सिर्फ ये नहीं कि कोई मुंह से आपको कह रहा है एक्स काम करना है कुछ चीजें आप बिहेवियर से शो करते हैं और जब आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे आप डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देंगे सो so, ये आपकी चॉइस है कि आप उससे कनेक्टेड रहते हैं या डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं